शहर पर घने बादलों के डेरे, महकमा मौसमियात ने गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की नवीद सुना दी। दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। हर तरफ से एक ही दुहाई, महंगाई महंगाई महंगाई, नाश्ते का लाजमी जूस डबल रोटी फिर से महंगी हो गई। बड़ी डबल रोटी के पैकेट की कीमत में 10 रुपए का इजाफा, बड़ी ब्रेड की कीमत 90 रुपए से बढ़कर 100 रुपए हो गई। शवारमा ब्रेड का पैकेट भी 45 रुपए से बढ़कर 50 रुपए का हो गया। LWMC मुबैना करप्शन, आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम, शहबाज शरीफ को नैब का एक बार फिर बुलावा। ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली को 23 अगस्त जुम्मा के रोज पेश होने की हिदायत, नैब की तहकीकाती टीम पूछताछ करेगी। पंजाब यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल करप्शन केस की भी तहकीकात तेज, नैब ने राणा मशहूद को भी 22 अगस्त को तलब कर लिया। साबिक सूबाई वजीर पर मनपसंद अफराद को गैर कानूनी ठेके देने का इल्जाम है। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। शहीद लांस नायक तैमूर असलम सुपुर्द खाक वोल्टन ग्राउंड में सूबाई वजीर औकाफ सैयद सईदुल हसन ने नमाज जनाजा पढ़ाई। शहीद का जस्ते खाकी पहुँचने पर रूपरवर मनाजिर, शहरियों की तरफ से फूलों की पत्तियाँ निछावर, फजा अल्लाह अकबर पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। बेटे की शहादत पर मां फखर से नाजा, बेटे को खुद वतन पर जान निछावर करने की इजाजत दी। मेरे साथ बेटे भी होते तो वतन पर कुर्बान कर देती, इस मुल्क का बच्चा था इसी पर कुर्बान हुआ। शहीद तैमूर असलम की वालिदा की लाहौर न्यूज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में गुफ्तगू। नादिराबाद में घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 2.5 साल बच्चा जांभक, 3 अफराद जख्मी। 50 साल सलमी, 25 साल मकबूल, 22 साल सिमी अस्पताल मुंतकिल, अहले खाना गम से निढाल, इलाके में सोग। सोबा तिब बड़ी शख्सियत से महरूम प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। बतौर DG होटा पंजाब फ्राई सर अंजाम दे रहे थे, प्रिंसिपल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में खिदमात सर अंजाम दी। प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद की नमाज जनाजा मॉडल टाउन जामिया मस्जिद जी ब्लॉक में आज अदा की जाएगी।